वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो या गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू जिसकी रिक्वेस्ट आई थिंक मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा आई है, एंड दैट इज लास्ट शील्ड का दिस वन सनस्क्रीन जेल। तो ये मैंने SPF 40 वेरियंट में परचेज किया है। आपको ये SPF 50 में भी मिल जाएगा, SPF 30 में भी मिल जाएगा, बट SPF 40 है ना, वो इंडियन वेदर के हिसाब से काफ़ी सफिशियंट है। लाइक अगर आप इंडिया में कहीं भी रह रहे हो तो SPF 40 आप घर में भी लगा सकते हो। अगर आप 2-3 घंटे के लिए कहीं बाहर जा रहे हो तो भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। सो या मेक श्योर कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले गाइस। सो या चलिए फटाफट से बात करते हैं पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले आपको बता देती हूँ, दिस इज नॉट ए स्पॉन्सर वीडियो। मैंने खुद से इसको परचेज किया है अमेजोन से। तो लास्ट मैंने आई थिंक 20 या 25 डेज पहले अपना अमेजोन हॉल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसमें आपको बताया था कि मैंने अमेजोन से परचेज किया है, एंड ये पड़ा था मुझे आई थिंक 670 रुपीज समथिंग का, एंड क्वांटिटी आपको मिलती है 50 ग्राम। तो क्वांटिटी वाइज एंड प्राइस वाइज मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा, क्योंकि 300-350-400 रुपये में भी आपको सनस्क्रीन मिल जाते हैं। बट ये क्यों अलग है, क्यों डिफरेंट है, यही बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो या ये जो सनस्क्रीन है बेसिकली आपको इस तरह की आउटर बॉक्स की पैकेजिंग में रिसीव होता है, एंड दिस इज द इनर बॉक्स पैकेजिंग। तो ये आपको इस तरह की ट्यूब पैकेजिंग में रिसीव होगा, एंड दिस इज लास्ट शील्ड सनस्क्रीन जेल SPF 40 जो कि आता है PA++ फॉर्मूला के साथ। तो पहले हम जान लेते हैं कि PA++ मीन्स क्या है। जो ये PA++ जो लिखा होता है दैट मीन्स कि ये आपको कितने आज तक सन की रेस से प्रोटेक्ट करेगा। अगर PA++ है दैट मीन्स कि वो आपको 2-2.5 घंटे सन की रेस से प्रोटेक्शन देगा, और अगर PA++ है दैट मीन्स कि आप उसको 3-4 घंटे इजीली अप्लाई कर सकते हो, बाहर जा सकते हो, 4 घंटे तक आपको उसको रीअप्लाई करने की नीड नहीं है। एंड दिस इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम फॉर्मूला। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन्स कि सन की 3 तरह की रेज होती है, UVA, UVB एंड UVC। UVC बेसिकली एटमोसफेयर के साथ ही गायब हो जाती है, वो हम तक पहुंच नहीं पाती है। तो UVA एंड UVB जो दोनों रेज होती है उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। तो जब भी आप सनस्क्रीन लो, मेक श्योर कि वो आपको UVA एंड UVB दोनों रेज से प्रोटेक्ट करे, उसके अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम फॉर्मूला हो। तो बेसिकली जो UVA रेज होती है ना, ये आपको एजिंग वाली प्रॉब्लम देती है, मतलब रिंकल्स, फाइन लाइंस, पिगमेंटेशन, ये आना स्टार्ट हो जाते हैं। और UVB रेज बेसिकली आपको जो टैनिंग वाली प्रॉब्लम है, ईचिंग है, बर्निंग है, इनफैक्ट वो आपकी स्किन के अंदर इतनी ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाती है कि वो आपको स्किन कैंसर भी दे सकती है। तो इन दोनों रेस से आपके सनस्क्रीन को आपको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। तो यस, ये जो सनस्क्रीन है ये आपको UVA एंड UVB दोनों रेस से प्रोटेक्ट करेगा, एंड दिस इज ऑयल फ्री फॉर्मूला एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, एंड दिस इज नॉन इरिटेंट, वाटर रेजिस्टेंट, प्रिजर्वेटिव फ्री, एल्कोहल एंड डाई फ्री, विदाउट कलर एडिक्टिव। मतलब इसके अंदर किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं है, कलर नहीं है, डाई नहीं है, और कलर वगैरह एज सच कोई भी इस तरह के केमिकल्स नहीं डाले हैं। तो यस, बात करें वाटर रेजिस्टेंट की, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल आपको स्वेटिंग वगैरह होती है उससे आपको ये प्रिवेंट करेगा, तब तक आपके स्किन पे सनस्क्रीन रहेगा। बट यस, अगर आप स्विमिंग वगैरह कर रहे हो या कहीं बारिश में नहा के आए हो, या मतलब उसके बाद आपको सन की रेज लग रही है, तब ये आपकी स्किन पे नहीं टिका रहेगा, तब तक ये निकल जाएगा। सो यस, दिस इज द ओवरऑल आउटर बॉक्स पैकेजिंग। एंड यस, अभी बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट की। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आप सनस्क्रीन लेते हो मेक श्योर कि उसके अंदर 2 तरह के इंग्रेडिएंट्स जरूर से हो, जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डी ऑक्साइड। तो इसके अंदर टाइटेनियम डी ऑक्साइड है, सिलिकन डी ऑक्साइड भी है। तो सिलिकन बेसिकली ना हार्म नहीं करता आपकी स्किन को। बहुत बड़ा मिथ है कि सिलिकन वाले प्रोडक्ट्स हमें नहीं यूज करने चाहिए। ये बेसिकली ना आपका जो एक जो टेक्सचर है ना उसके अंदर काफी स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, जो कि अच्छे से आपकी स्प्रेड हो जाती है फेस पे, आपके पोर्स को क्लॉक कर देती है, ताकि बैक्टीरिया वगैरह या जो भी डर्ट वगैरह हो वो आपके पोर्स के अंदर नहीं जाए। तो सिलिकन होना बुरी बात नहीं है, ये सिलिकन टेक्सचर वाला ही सनस्क्रीन है। जब आप इसको अप्लाई करोगे, मैं इसको आपकी इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। दिस इज द ओवरऑल कंसिस्टेंसी, आप देखो काफी प्यारी इसकी कंसिस्टेंसी है, और जैसे इसको आप इस तरह से रब करोगे ना, तो ये बहुत ही, इसका जो फॉर्मूला है ना काफी ज्यादा स्मूथ है। आप देखो इतना जल्दी से स्प्रेड हो गया, और काफी फिनिश है ना वो काफी स्मूथ वाली लगती है। मतलब यहाँ पे मैं अपना फिंगर फील कर रही हूँ ना, एकदम ऐसा लग रहा है बटरी बटरी जैसा, जैसे हमने कोई बॉडी बटर टाइप का अप्लाई कर लिया। यस, टेक्स्चर इसका काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसके अंदर सिलिकन है, और आप देख सकते हो एज सच इसने कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ी है मेरे हाथ पे। थोड़ा सा ये जो पार्ट है ये शाइनी लग रहा है, थोड़ा सा ग्लोई इफेक्ट दे रहा है, बाकी
बाकी ऐसा जो व्हाइट कास्ट वाली प्रॉब्लम होती है ना सनस्क्रीन के साथ, वैसी इसके साथ नहीं है। एंड यस, स्किन के अंदर भी बहुत जल्दी से अब्सॉर्ब हो जाता है, दैट मीन्स कि आपको बिल्कुल फील नहीं होता है कि आपने कुछ लगाया है। इसका फॉर्मूला है, काफी ज्यादा लाइट वेट है, मतलब फील भी नहीं होता है कि हमने कुछ ऐसा अप्लाई किया है। आप देख सकते हो मेरे हाथ पे बिल्कुल ऐसा हैवीनेस नहीं लगती है, चिपचिपापन नहीं लगता है, एकदम जो ग्लोई इफेक्ट आता है ना स्किन पे वो आता है इसको यूज करने के बाद। सो यस, ओवरऑल देखा जाए ना तो ऑयली स्किन वालों के लिए मुझे काफी ज्यादा अच्छा सनस्क्रीन ये लगा। टेक्सचर इसका काफी ज्यादा अच्छा है, ऑयल नहीं आता है आपके फेस पे, क्योंकि काफी बार हम ना सनस्क्रीन को अवॉइड करते हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा यही होता है कि जैसे ही हम सनस्क्रीन लगाते हैं बहुत ज्यादा स्वेटिंग आती है, हमारा जो सीबम प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, स्किन पे बहुत ज्यादा ऑयल आने स्टार्ट हो जाता है। बट इसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, जब भी आप इसको अप्लाई करोगे मॉइस्चराइजर के बाद अप्लाई करना होता है सनस्क्रीन। बट मेक श्योर कि जो आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया ना उसका फॉर्मूला भी ऑयल फ्री रहे। अगर आपने ऑयली वाला मॉइस्चराइजर यूज किया ना उसके बाद फॉर श्योर आपको स्वेटिंग आएगी, बट ये कभी आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा कि इसको लगाने के बाद आपको स्वेट आ रही है। सो यस, बेसिकली देखा जाए तो ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट सनस्क्रीन है। थोड़ा सा कॉस्टली है बट प्रिजर्वेटिव फ्री है, एल्कोहल नहीं है, मतलब आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगा। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, देखा जाए तो जो जिनकी ऑयली स्किन होती है ना उनकी एक्ने प्रोन भी रहती है और थोड़ी सी सेंसिटिव भी रहती है, तो ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप एक अच्छा सा सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो जिसके अंदर भी एज सच कोई भी केमिकल ना हो, स्किन को इरिटेट ना करें, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर प्रोवाइड करें, व्हाइट कास्ट ना छोड़े, ऑयल ना छोड़े आपकी स्किन पे, तो यू कैन गो फॉर दिस गाइस। थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा, बट इन्वेस्ट कर सकते हो, एक बार इन्वेस्ट करोगे। ऐसे क्वांटिटी भी आपको इसकी बहुत ज्यादा लेनी नहीं होती है, थोड़ी सी क्वांटिटी में ये बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है क्योंकि इसके अंदर सिलिकन टेक्सचर है। तो ये अगर आपने एक ट्यूब ली ना तो आपका पूरा समर, मतलब जो 2-3 महीने का समर रहता है, इजिली आप निकाल लोगे। यस, 4 आवर्स के बाद आपको रीअप्लाई करना होगा। अगर 4 घंटे के बाद आप वापस से धूप में जा रहे हो ना तो मेक श्योर कि आप फिर से इसको अप्लाई कर लो। या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस विद ला शील्ड सनस्क्रीन जेल SPF 40 का भी लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, एंड जो SPF 50 है इसका, उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। दोनों में से जो आपको परचेज करना है आप कर सकते हो। सो या, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो या, मिलते हैं गाइस अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।